नमस्कार, मैं अभिषेक राज। आज हम बात करने वाले हैं, जो आप सुने होंगे बहुत पहले न्यूज आया था कि आईटीआई जो है अब 12th के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ेगा, तो इसका वो दिन आ चुका है। और इसके लिए बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि जितने भी आईटीआई किए हुए स्टूडेंट है, जो उत्तीर्ण हो चुके हैं, जो पास आउट है, या जो पहला ईयर पास कर चुके थे, मतलब एक साल पढ़ चुके हैं, दूसरे ईयर में प्रवेश कर चुके हैं, या कह सकते हैं कि दो सेमेस्टर पास हो गए हैं, तीसरे सेमेस्टर में, वो लोग अब 12th के इक्विवेलेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो बिहार बोर्ड है, उसके वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आपको 15 फरवरी से स्टार्ट है और वो 7 मार्च तक डाउनलोड हो सकता है। तो आपको 15 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में फॉर्म को डाउनलोड करना है। ये फॉर्म बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पर मिलेगा, मतलब बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। वहां से डाउनलोड करने के बाद आपको जो संबंधित आईटीआई है, जिस आईटीआई से आपने पास किया या जिस आईटीआई में आप पढ़ रहे हैं, वहां के जो प्रिंसिपल है उनके ऑफिस में आपको जमा करना होगा वो फॉर्म को। उस फॉर्म को जमा करने के बाद आपको फी भी देना होगा। फी आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं या ई चालान के माध्यम से आप इलाहाबाद बैंक या गवर्नमेंट स्टेट बैंक में आप जमा कर सकते हैं। फी की बात करें तो फी आपको ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 1170 रुपए हैं और एससी एसटी और बीसी वन के लिए 945 रुपए हैं। आपको इलाहाबाद बैंक या स्टेट बैंक में आपको जमा करना होगा। और जब फॉर्म आप जमा करेंगे, इसके बाद प्रिंसिपल, जो आपके आईटीआई के प्रिंसिपल है, वो उस फॉर्म को चेक करने के बाद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को फॉरवर्ड कर देंगे। उनको एक लॉगिन और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसके थ्रू वो फॉर्म को स्कैन करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपको ध्यान यहाँ ये देना होगा कि फॉर्म भरने के बाद आपको पता करना होगा आपका फॉर्म फॉरवर्ड हुआ कि नहीं। अगर कुछ त्रुटि पाई जाती है तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसमें क्या करना होगा आपको कि इसमें हिंदी और इंग्लिश का आपका एग्जाम देना होगा। एग्जाम का पैटर्न आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा कि आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देना होगा और दोनों का एग्जाम 100-100 मार्क्स का होंगे। 100 नंबर का हिंदी रहेगा, 100 नंबर का इंग्लिश रहेगा, जिसमें जो हिंदी के एग्जाम होंगे उसमें 50 नंबर रहेंगे। जो 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शन वाले रहेंगे, एक नंबर के रहेंगे। इंग्लिश में भी सेम वही है, 50 नंबर के क्वेश्चन 50 अंक के पूछे जाएंगे, जो मल्टीपल चॉइस रहेंगे, बहुविकल्पीय रहेंगे, जो एक नंबर के रहेंगे। इसके बाद जो 50 नंबर बचा है, 100 में से जो 50 बचा है, वो वस्तुनिष्ठ होंगे। उसमें आपको लिखना होगा, पैराग्राफ लिखना होगा, बहुत सारा चीज पूछ सकता है, निबंध भी पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 1 नंबर का, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे। और ये एग्जाम 2 पालियों में लिया जाएगा, मतलब सुबह और शाम 2 शिफ्ट में करके ये एग्जाम आपका लिया जाएगा। और इसके लिए अगर आप इसके अधिक जानकारी चाहते हैं तो इसके जो हेल्पलाइन नंबर है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं नंबर, उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं, जिसका नंबर है 0612, इसका कोड है पटना का, और नंबर है 2232074, दूसरा नंबर है 2232257, और तीसरा नंबर है 2232239। ये सारे नंबर इस पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि जो फॉर्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं, किस तरह से अप्लाई करना होगा। तो आपको सिंपली जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का वेबसाइट है, उस पर जाइए, फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो पास आउट हो चुके हैं, जो सेकंड ईयर में है। तो आप लोग के लिए खुशखबरी है, आप जब भी आप 12th के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, जब आपका मार्कशीट आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली डिप्लोमा या बीटेक कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले पाएंगे आप। इसके लिए आपको कोई डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, बिहार की तरफ से शुरू हो चुका है, यूपी में भी ये चीज लागू हो चुका है, एमपी में भी है, और भी बहुत सारे स्टेट है जो लागू कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी जगह लागू हो जाएगा। अगर आप आपके स्टेट में, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, किसी अन्य जगह से, जहाँ पे यहाँ नहीं है, लागू नहीं है आपके यहाँ, तो आप एनआईओएस एक संस्था है, नेशनल जो लेवल का जो स्कूल होता है, ओपन स्कूल है, उससे आप 12th का इक्विवेलेंट एग्जाम दे सकते हैं। उसमें भी हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम लिए जाते हैं। तो उसके बारे में जानकारी के लिए आप अपने आईटीआई के जो प्रिंसिपल है उससे बात कर लीजिए, वो आपको सारा प्रोसीजर बता देंगे। उसका भी एग्जाम इसी तरह से होता है, दोनों हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ता है, इसके बाद आपको 12th का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है। नहीं तो आप पता कीजिए कि आपके स्टेट में क्या है, आपके स्टेट में हो सकता है इस तरह का चीज लागू हो। तो चलिए, और भी अगर जानकारी मिलता है मुझे आईटीआई से रिलेटेड किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य का, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको